मैं दीपक कुमार, मैं पिछले 10 साल से करीब दिल्ली पुलिस में कार्यरत हूँ और मैं सीधा गांव से ही बिलोंग करता हूँ, गांव से ही टच रहता हूँ। अपने जितने भी गांव के नवयुवक हैं, नए लड़के स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं, सभी से पूछता रहता हूँ, बातचीत करता रहता हूँ, क्या समस्याएँ क्या नहीं है। इसी दौरान मुझे एक ज़रूरत पड़ी लाइब्रेरी की। हमारे सतीश भाई हैं, भैया आस्करण हैं, इन्होंने एक लाइब्रेरी की शुरुआत की ठान ली। तो गांव के जितने भी दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस या आर्मी या जितने भी दूसरी जॉब पे कार्यरत हैं, सभी की सपोर्ट से और गांव की दान की हुई ज़मीन पे और ये इस स्ट्रक्चर को बनवाया और इसमें एक लाइब्रेरी की शुरुआत की है। तो कहीं ना कहीं इसमें कहीं सरकारी योगदान कुछ नहीं है, सब प्राइवेट है पूरा? इसमें कोई भी किसी चीज़ का कोई सरकारी योगदान कुछ नहीं, सब कुछ सभी ज़मीन भी गांव के लोगों के द्वारा ही दान की गई है। स्ट्रक्चर में जितना भी पैसा लगाया वो सभी गांव के ही लोगों ने, गांव के ही सहयोग से ही ये लाइब्रेरी तैयार हुई है और ये बहुत ही अच्छी तरह चल रही है। तो इसे बनवाने के लिए जब शुरुआत की इसकी, तो भैया सतीश हैं जो गांव के इतने जाने माने हैं कि गांव का बच्चा बच्चा इनसे वाकिफ़ है। ये इतने गांव की हर किसी भी छोटी से बड़ी समस्या में सबसे आगे मिलते हैं। इन्होंने इतना सपोर्ट किया। सबसे बड़ी बात ये है कि इनका कोई भी किसी चीज़ से मतलब ऐसा संबंध नहीं था कि शिक्षा से संबंधित कि ये किसी जॉब पे हैं या किसी पे नहीं। इन्होंने इस बात से कोई मतलब नहीं था। इन्होंने इस चीज़ में मेरे साथ आके, भैया आस्करण ने आके और बच्चों ने सभी ने सपोर्ट करके और इस लाइब्रेरी की शुरुआत की जो आज बहुत अच्छी तरह से चल रही है। मतलब कहीं ना कहीं जो ठाना था उसको पूरा मकान दिया और बहुत अच्छा दिया जी। और आप थोड़ा सा मुझे गुर्जर समाज के बारे में बताएं, कहीं दिल्ली पुलिस में है तो उसको लेके कुछ कभी कोई वाक्या कुछ ऐसा बताओ। मतलब साथी और भी गुर्जर समाज के लोग हैं, कहाँ आज समाज हमारा बढ़ रहा है और हमारे चैनल भारत के गुर्जर के माध्यम से आप जो युवा हैं इस वीडियो को देख रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? मैं करीब 2012 में मैंने दिल्ली पुलिस को ज्वाइन किया था। तो दिल्ली पुलिस में जाने के बाद वहाँ 2010 से पहले वहाँ गुर्जरों का इतना वर्चस्व नहीं था। सिर्फ मात्र कुछ ही थे जो सबसे ज़्यादा मतलब वहाँ और समाज के लोग थे। गुर्जर समाज के बहुत कम मात्रा में, मतलब बहुत कम नवयुवक थे जो वहाँ पर दिल्ली पुलिस में कार्यरत थे। लेकिन 2010-12 के बाद गुर्जरों ने, हम जिस टाइम भर्ती हुए उस टाइम 526 थे, जिसमें से 226 हम गुर्जर थे। अच्छा, जो जड़ौदा कला की बात कर रहा हूँ वो टोटल तो 2600 थे, तो उसमें से करीब 50% हम गुर्जर थे। तो हमारे गुर्जर समाज बहुत बदल रहा है और इतना बदलाव हो रहा है कि उस टाइम से अब तक 50% बदलाव आ रहा, 50% से ज़्यादा बदलाव आता जा रहा है। अभी भाई ने, दीपक भाई ने भी बताया कि लाइब्रेरी में आपका बड़ा अच्छा योगदान है। ऐसा कुछ नहीं है हमारा, नहीं, ये समाज को पता चलना चाहिए। ऐसे लोग भी पढ़ने के साथ साथ ऐसे लोगों की भी ज़रूरत है, तभी समाज भी आगे बढ़ पाएगा। नहीं, हमारी तो यही मंशा है जी, किसी भी क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में हमको, हमारी गांव को जरूरत है या किसी भी बच्चे को जरूरत है, तो हम उसके लिए आधी रात पे तैयार खड़े हुए हैं। और हमारी ये लाइब्रेरी तब कामयाब होगी, तब हमारी लाइब्रेरी से जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे निकल के जाएंगे और वो कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो सरकारी जॉब, तब हमारे दिल को थोड़ा खुशी मिलेगी। भाई दीपक हैं, भाई सतीश हैं, इन्होंने मतलब बहुत फ़ायदे किया है गाँव के लिए। मेरा घर पास में ही है, ये इतनी बेकार ज़मीन थी, इस पर कोई आता नहीं था। अब जैसे बारिश का मौसम है, कोई नहीं आता था यहाँ पर, हम देखते थे बस बाहर से ही, बाहर चले जाते थे। बदबू बहुत होती थी यहाँ तक, सभी में बदबू होती थी। अभी बाउंड्री कराई है, पेड़ लगाए हैं, तो बहुत बढ़िया बात है। सुविधाएं सब है, लाइट वगैरह की भी है, फ़ैन भी है, सीटिंग अरेंजमेंट भी अच्छा है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइट बहुत जाती है, इन्वर्टर भी है। दिल्ली पुलिस में दीपक सर बायो पढ़ाते हैं, वो आ जाते हैं यहाँ पे। वाईफाई भी लगवाया है अभी बच्चों के लिए। तो ऐसे ही समाज की वीडियो देखने के लिए आप अपने चैनल भारत के गुर्जर को सब्सक्राइब करें और आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।